का प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा बासुकीनाथ धाम में बसंत पंचमी के अवसर पर भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ती है। बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में महादेव का धूमधाम से तिलकोत्सव किया जाता है। महाशिवरात्रि से पूर्व सरस्वती पूजा के दिन बाबा बासुकीनाथ धाम में महादेव का विधि विधान एवं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ तिलक समारोह मनाया जाता है। मिथिलांचल से भारी संख्या में बाबा के भक्त बासुकीनाथ पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जो पौराणिक परंपराएं हैं भगवान के प्रति, आज भगवान का त्रिवर्ण उत्सव है, कुछ दिन के बाद त्रस के दिन भगवान का शादी होगा, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, इसी परंपरा में हम लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं। और ये वर्ष का उसको काल रात्रि भी कहते हैं। श्रद्धालु लोगों का तांता लगा हुआ है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और हम लोगों की व्यवस्था है कि COVID-19 का जो गाइडलाइन निकाला गया है सरकार के द्वारा, उसके अनुरूप सबको सुविधाजनक ढंग से दर्शन करा दिया जाए। शाम को तिलक बाबा का जैसा कि परंपरा रहा है, तिलकोत्सव भी आज ही है, तो शाम को उसका कार्यक्रम है 7 बजे के बाद। बड़ी संख्या में मिथिलांचल से लोग कल से ही आए हुए हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार मिथिलांचल के भक्त बाबा भोलेनाथ से रिश्ते में ससुराल पक्ष का नाता रखते हैं। भक्तों के अनुसार मां पार्वती का मायके मिथिलांचल में होने के कारण बाबा भोलेनाथ से उनका रिश्ता ससुराल का होता है। बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं में महादेव के तिलकोत्सव का उत्साह देखते बनता है। भीड़ को देखते हुए प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा कर्मी और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में रहती है। दुमका से सुतिब्र गोस्वामी की रिपोर्ट।